तो भाई लोग फॉलआउट टीवी सीरीज़ आइकॉनिक वीडियो गेम फ्रेंचाइज को स्मॉल स्क्रीन पर ले ही आया। ये पोस्ट अपोकैलिप्टिक ड्रामा फॉलआउट यूनिवर्स के एसेंस को एक फ्रेश और ग्रिटी टेक देता है जो आपको सीट्स के एच पर रखेगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि शो का वर्ल्ड बिल्डिंग ऑन स्पॉट है। वो शहरों का क्रम्बलिंग रिमेन्स, न्यूक्लियर ब्लास्टिंग सेटिंग्स, प्रोडक्शन डिज़ाइन में रेट्रो फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक और डिकेड चार्म को वैसा ही रखा है जैसा फैंस ने उनके गेम्स में देखा है। साथ ही साथ आइकॉनिक एलिमेंट्स जैसे वॉल्ट और पिप बॉयज वो भी आपको देखने मिलेंगे। कैरेक्टर्स की बात करें तो वो एक और हाईलाइट है शो की, जिनकी अपनी स्टोरीज हैं, अपने मोटिवेशंस हैं, चाहे वो रिजिलिएंट सर्वाइवर्स हों, पावर हंग्री फैक्शंस या एनिग्मेटिक गूल्स। कास्ट की परफॉर्मेंस इस डाइवर्स असेंबल में जान डाल देती है। लूसी और मैक्सिमस इस शो का दिल है, एक कंपेलिंग लुक जो उन्होंने बहुत परफेक्टली दिया है कि किस तरह के स्ट्रगल्स वो फेस करते हैं इस हार्श क्रूअल वर्ल्ड में। एक तरफ लूसी का शार्प विट और उसकी कनिंग सर्वाइवल टेक्निक्स जो उसका रेजिलियंस दिखाती हैं, जो इंस्पायरिंग तो है ही साथ ही साथ हार्ट ब्रेकिंग भी है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमस का स्ट्रेटेजिक माइंडसेट और उसका मिस्टीरियस पास्ट जो टेंशन और सस्पेंस को हर एपिसोड में एक के बाद एक इंक्रीज करता है। इंट्रोस्पेक्शन के क्वाइटर मोमेंट्स और एक्शन के बीच में आपको एक डेफिनेट बैलेंस देखने को मिलेगा। ह्यूमन स्ट्रगल, मॉरल डिलेमा जो इस कठोर दुनिया में है, उसको बहुत अच्छे से शोकेस किया गया है। शो का नैरेटिव बहुत कैप्टिवेटिंग है, जो कि सर्वाइवल, लॉयल्टी और उम्मीद की तलाश में फॉलआउट के थीम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोड़ता है। फॉलआउट को उसका हॉन्टिंगली एटमॉस्फेरिक साउंडट्रैक, जो कि क्लासिक और ओरिजिनल कंपोजिशन से मिक्स्ड है, उसके हर सीन को और उसकी स्टोरी को डीपर वर्ल्ड में, उसकी मिस्टीरियस दुनिया में आपको लेकर जाता है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट एज सून एज आप 8th एपिसोड हिट करेंगे, एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस के लिए प्रिपेयर हो जाना। एक साथ एक के बाद एक वो इतना इंटेंस, फ्रस्ट्रेटिंग और इतना सेटिस्फाइंग है कि आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ आपको फील होगा कि अब मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, बट अगले ही सेकंड आप कंफ्यूज हो जाओगे इन द बेस्ट वे पॉसिबल, और वही इस शो को देखने के लिए डेस्परेट बनाता है। ऑल इन ऑल फॉलआउट टीवी सीरीज एक मस्ट वॉच है उसके फैंस के लिए और उन सभी के लिए जो पोस्ट अपोकैलिप्टिक स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। रिच वर्ल्ड बिल्डिंग, कंपेलिंग कैरेक्टर्स और थ्रिलिंग प्लॉट लाइंस के बीच इस गेम का ये स्टोरी अडाप्टेशन आपको वेस्टलैंड में एक ग्रिपिंग डाइव ऑफर करता है जिसको मिस नहीं किया जा सकता। तो ये था मेरा ओपिनियन, बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।